क्राइम ब्रांच ने शहर की मशहूर पब बार पर रेड मारकर भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की है। दरअसल गुड़गांव पुलिस को सूचना मिली थी कि उद्योग विहार फेस 2 की काजा डांजा पब बार में ड्रग्स परोसी जा रही है। सूचना पर पुलिस ने रेड की और मौके से चरस, MDMA, गांजा, हीरोइन, कोकीन व अन्य संदिग्ध चीजों को मौके से बरामद कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ACP क्राइम की माने तो 288 ऐसे युवक युवतियों के ब्लड सैंपल भी लिए गए हैं जिन पर शक था कि ये ड्रग के सेवन किए हुए हैं। जी, बीती रात्रि को थाना उद्योग विहार पुलिस, क्राइम ब्रांचेस गुड़गांव और ACP उद्योग विहार, ACP क्राइम गुड़गांव और ACP ईस्ट गुड़गांव और इसके अलावा हमारी चार अलग अलग क्राइम ब्रांचेस की टीम जिनमें इंचार्जेज इंस्पेक्टर आनंद, सब इंस्पेक्टर गुणपाल, इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान और इंस्पेक्टर मनोज वर्मा, एक सूचना मिली थी कि उद्योग विहार फेज 3 में स्थित है एक नाइट क्लब हाउस कासा डेंजर नाम से, और सूचना ये मिली थी कि वहाँ पर जो लड़के लड़कियाँ जाते हैं वहाँ पर NDPS जो कि कॉन्ट्राबैंड है, जो कि बैंड ड्रग्स होते हैं, उसके बारे में कंजम्पशन की और उसके बारे में वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की सूचना मिली थी। जो सूचना को विश्वसनीय मानकर पुलिस टीम के द्वारा वहाँ पर रेड की गई थी और साथ में जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं CMO गुड़गांव, उनके कार्यालय से सहायता ली गई थी और उन्होंने भी अपनी टीम हमारे साथ वहाँ भेजी की थी। इनके साथ साथ हमारे जो सीन ऑफ क्राइम टीम के जो इंचार्ज हैं साइंटिफिक ऑफिसर ज्योति, उनकी टीम भी हमारे साथ थी। और वहाँ पर जब पुलिस टीम ने सर्च किया तो वहाँ पर कुल मिलाकर के 288 लोगों का सर्च किया गया। अनफॉर्चुनेटली उनमें से किसी के भी पर्सन पे हमें कोई कॉन्ट्राबैंड नहीं मिला, लेकिन उन सभी के ऊपर सस्पिशियस था कि उन्होंने ये कॉन्ट्राबैंड या नारकोटिक्स या कोई साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कंज्यूम कर रखा है। तो जो हमारे को टीम हमारी सहायता के लिए आई थी CMO कार्यालय से, उनकी मदद से उन सभी की ब्लड सैंपलिंग की गई है जो कि आगे फर्दर नेसेसरी एक्शन के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भिजवाई जाएगी और जो भी उसके बारे में रिजल्ट आएगा उसके अनुसार ही जो प्रावधान के अनुसार उनका जो अपराध होगा उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जब ये सैंपलिंग और सर्च पर्सनल सर्च हो गई थी उसके बाद जो क्लब था उसकी डीप सर्च की गई थी हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम के साथ और पुलिस टीम के साथ। उस डीप सर्च में हमें वहाँ पर कुछ कॉन्ट्राबैंड मिले जिनमें जो कि चरस वो 10.67 ग्राम्स, हेरोइन 6.30 ग्राम्स, कोकेन 6.30 ग्राम्स, MDMA जो कि एक एक्सटेटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है वो 3.67 ग्राम्स, और मारिवाना गांजा उसके कुछ रैपर्स मिले, सिगरेट मिली जो कि 2.20 ग्राम्स। इसके अलावा हमें वहाँ पर सस्पिशियस कुछ टैबलेट्स मिले जिनमें 3 नंबर्स ऑफ टैबलेट्स पिंक कलर, 3 नंबर ऑफ टैबलेट्स ऑरेंज कलर एंड 2 नंबर ऑफ टैबलेट्स ग्रीन कलर, जो कि इस ड्रग्स को भी नियम के अनुसार FSL भिजवाया जाएगा और वहाँ से रिपोर्ट इसके बारे में प्राप्त की जाएगी। वहीं इस मामले में ACP उद्योग विहार की माने तो काजा डांजा के मालिक अभिषेक राणा, कुणाल सिक्का, अरविंद यादव और पब बार की मैनेजर मानसिंह देवेश और वीर के खिलाफ NDPS की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। पंजाब के सी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।